राती आदमी भी चाहिए उते शीशा एक टूटिया और सारे युवा राजपूत सभा सामने बरांडे लाके खड़ी हुई और ना उन्हें बंदे की आइडेंटिफाई कर सकी मगर जेडे लोग उते बैठे थे उन्हें की चुकी है इन्हें डिटेन कर देता और डिटेन करने के बाद आज वो कठुआ जेल च शिफ्ट किए थे दो दिन दे दसो ओ के कसूर है अगर शांति पूरी शांति तरीके के भी ए गवर्नमेंट नहीं मंदी ते अस जम्मू दे डोगरे दी के जवाब देचा अस तुंदे कोला पुछने आ और युवा राजपूत सभा खाली युवा राजपूत सभा दा कोई अपनी बरादरी दा मसला नहीं है युवा राजपूत सभा दा कोई अपना बरादरी दा मसला नहीं है कि असे कोई बेनिफिट होना ए सारी डुगर जिन्ने सारे दर होंदे ने उंदे सारा दा मुद्दा कि जबरन मजबूरी नहीं आउंदे ने रोड खराब हालात बिल्कुल सतवारी को लिया कठुए का कोई भी जाइए दिखी सकता जितने एक डेढ़ घंटा लगता है अज चार घंटे लगा दे मगर कोई भी लीडर साहब बड़ा बोलिए राजी नहीं है जो राजपूत सभा कने अप्रोच की और असे आवाज चुकी इस दसो क्या गलती की अज साढ़े साथी पंजवा दिन होगा वो कठुआ जेल च ने असें जेड़े जेड़े साथी समर्थन दिया दे अस उनका दिल की गहराई है कहना धन्यवाद करने इतु दे बार एसोसिएशन इतु दी चैंबर इतु दा व्यापार मंडल इतु दा ट्रांसपोर्टर जम्मू कठुआ वाला जेड़ा आज ने लिखा उन्हें भी समर्थन दिता है मगर कुछ लोग अली भी चुप ने बस इस वजह ने भी गल आखा कि युवा राजपूत सभा का मुद्दा नहीं है ये डोगरा संस्था का सारा मसला है जेड़े घर अज तक आराम करने बैठे अज तक असें कोई ऐसी गल नहीं की कुसा भी जेड़ा अपना संगठन है उसी अपने मजबूती कने और पीसफुली रखे दा गवर्नमेंट साड़ा इम्तिहान लै रही है एज ई साहब भी थोड़े थ्रू और जिन्हें भी साढ़े संस्थान आज उन्हें थोड़े थ्रू आके होने चाहते हैं कि सबर का इम्तिहान नहीं लाओ सारे को दो दिन है कल का परसों का जम्मू की जनता की इन्हीं गल आखने कि कल का जरा बंद है सारे जिन्हें भी बरादरिया उस बंद की समर्थन दे जिन्हें भी संस्थान है वह इसी समर्थन दे कि सारी जम्मू की डुगर एकता का एक मजबूत पक्ष सामने आवे कि डुगर एकता जिंदाबाद और कल साबित होना है कि डुगर एकता जिंदाबाद है या नहीं अगर सारे साथी और जिन्हें भी ट्रांसपोर्टर भारतीय संस्थान अगर वह कल का समर्थन करते हैं तो साड़ी जित निश्चित है वह कल साबित होना अगली रणनीति जी अस तुम फिर ऐतवार दसगे कि अगर जरूरत पी असें अपने बंदे जेल के साड़ने का नहीं रखे दे खाली युवा राजपूत सभा ने गए टेका नहीं लगे दा बाकी सभा भी हैं बाकी बरादरियां भी हैं अस जल्दी गए उन्हें कल गल करने वाले हैं और परसों तक डिसीजन लेने ना कि असें इस टोल प्लाजा का हम क्या करना है क्योंकि साड़ी आन बान शान पर बनी आई है ये डोगरा शान पर गल बनी आई है बाकी सब तो बड़ी गल है असें गी अजमाया जा रहा है परख्या जा रहा है और एक एक बंदे पर नजर रखी दी है पुलिस ने सीआईडी ने हर साथी की परेशान किया जा रहा है इस तरीके के जेड़ा पॉलिटिकल माहौल जेड़ा आगे का खराब होया आज तक वो स्ट्रीमलाइन नहीं होया और ये डेमोक्रेटी का गला घोटने का तरीका है इसी बंद कर देता जाए सरकार तो अच्छा होगा मैं अनता है जरा तरीका कर है अगर युवा राजपूत अपने पर आई तो फिर जरा तुसे अपना तरीका पिछे दिखा त्रेई सितंबर को पहले तो सानू सरकार मजबूर करा दी है और फिर जल्दी गए अगर साढ़े साथी दो दिन के नहीं छोड़े तो फिर इन्हें दिखने की लगेगा जम्मू कश्मीर और जम्मू सूबा अच एक है और डोगरे की पक्ष रखा है मगर एक ही गल आखना चाहते हैं शांति कन्नै प्यार कन्नै बड़े मसले हल होई जंदे जम्मू दे डोगरे गी उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर नहीं करो नहीं करो बस ये साथी आंखों को पहचान दा बहुत बहुत शुक्रिया जेड़े दिन रात इस चीज की हाईलाइट कर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तमाम संस्थाएं एक गल आखी है कि स्मार्ट मीटर दी लई है जम्मू बंद होएगा टोल प्लाजे लेके लेकिन युवा राजपूत साहब ने कुदे भी स्मार्ट मीटर की गल नहीं की ऐसा कोई मसला नहीं है
जरा सब तो एमरजेंसी 24 घंटे एमरजेंसी जितने एक घंटा लगा तो चार घंटे लगते हैं। जिन्हें भी अपने इतने लाइक माइंडेड लोग ने उन्होंने फोन करी करी करिए और असें अमरनाथ यात्रा की वजह डिले किया और सरकार की चताया उत्थे जाइए ट्रेलर तुझे दसिया उसने कहा कि एक हफ्ते के बाद एक हफ्ते के लिए हमने वो सस्पेंड किया था मगर सरकार सोई रही। आज जो हालात खराब हुए हैं ये सरकार और एलजी की वजह से हुए हैं। इनमें जुआ राजपूत सभा का आप सब लोगों का कोई कसूर नहीं। अब तो जनता बाहर आ गई है, अब तो जनता बाहर आ गई है। रही बात आपकी स्मार्ट मीटर की बात तो स्मार्ट मीटर के लिए जम्मू शहर पहले ही उभर रहा है। हमारे जैसे ही ये मसला हल होता है हम इस मसले के ऊपर विचार करके उन लोगों के साथ हैं। हमारी हमदर्दी और हमारे कुछ लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मगर इसके ऊपर एक मसला खत्म होने के बाद हम तुरंत ही आपके सामने आएंगे और स्मार्ट मीटर के मसले पे अपना कोई फैसला लेंगे। जम्मू के लोग जम्मू की जनता ये नहीं सोचे कि युवा राजपूत सभा सोई हुई है। आपके सामने आज पांच दिन से हमारे लोग वहां पर बैठे हैं। अगर वो युवा राजपूत सभा का समर्थन करते हैं बाहर आते हैं तो ये स्मार्ट मीटर कोई बड़ी बात नहीं, ये जल्दी उखाड़ के बाहर फेंकते हैं। राजेंद्र जी अभी तक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वीरवार तक का समय हम टोल को उखाड़ देंगे, क्या इस पे किस तरह से स्टैंड रहेगा युवा राजपूत सभा का? युवा राजपूत सभा अगर वो कह रहे हैं वो अपना स्टैंड वो कल साबित कर देंगे। हमें दो दिन की मोहलत दी है सैटरडे और संडे को। कल युवा राजपूत सभा का भी पूरा समर्थन होगा, बाकी संस्थान को भी पता और लगेगा कि डोगरा एक है कि नहीं। अगर कहा है बंद तो ये हम जरूर कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से, एकता का समर्थन एकता से होता है। फूट डालो राज वाली जो राजगढ़ वाली नीति है वो ये आरजी सरकार पहले कर चुकी है मगर कल हमारा इम्तिहान का दिन है, डोगराओं का एक होने का दिन है। वो कल हमें बता रहे हैं और आपके माध्यम से बताना है। हमारा मैसेज आप घर घर तक पहुंचा दीजिए, यही आपसे वादा। क्वेश्चन है, 19 साल डोगरी चैनल की तरफों कल अखनूर च एक स्कूल च पोस्टर छपाया गया है कि उसे डोगरी बोलने पर प्रतिबंध लग गया है, ये बारे तो उसके आगे कि डोगरी भाषा पर भी एक कटाक्ष वारदा है। ये बारे सर सारे ओपन करांगे थोड़ी देर में आप कोई भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं एडवोकेट विक्रम सिंह युवा राजपूत सभा का महासचिव, मैं सबसे पहले हमारे मीडिया कर्मियों का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार करता हूं क्योंकि एक मीडिया है 23 सितंबर पे भी मीडिया का जो था वो एक अहम रोल मीडिया ने अदा किया था और हमारी जो आवाज थी युवा राजपूत सभा की और डुगर समाज की घर घर तक पहुंचाई थी। मैं सभी मीडिया कर्मियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, जो हमारे जम्मू के युवा, सिर्फ अगर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, बड़ी बसोली, रजौरी, पुंछ, कटरा, रियासी, हर जगह पे ऐसी आज तक ये पहली बार बम बम बोले के बाद ये पहली बार हो रहा है। ऐसा कोई गली नहीं है, ऐसा कोई कूचा नहीं है, ऐसी कोई पंचायत नहीं है, ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है यहां पर आज के टाइम पे प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन एलजी साहब के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। और सबसे ज्यादा बात जो हमारी अभी जेएंडके की बीजेपी है जो अभी सत्ता में जो करार करती है कि हमारा जब कोई फैसला लिया जाता है एलजी के द्वारा तो वो बोलते हैं कि फैसला हमने करवाया और जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो बोलते हैं जी वो मान नहीं रहे। मतलब कि ये तो दोहरी राजनीति जो है यहां पर की जा रही है कुछ नेताओं के द्वारा। मैं आपके माध्यम से सभी जो डुग्गर समाज के लोग हैं जितने भी हम आज सड़कों पे हमें सभी का शुक्रगुजार हूं, ऐसे ही डट के खड़े होने का भी ये समय है। ये जो समय है डुग्गर एकता जो आज बम बम बोले के टाइम पे जैसे पूरा जम्मू खिता पूरा जम्मू डिवीजन जो है वो एक साथ खड़ा था, आज ये वही टाइम एक बार फिर से जो सिर्फ एलजी साहब की ईगो की वजह से आज पूरा डोगर समाज लखनपुर से लेके बनी पुंछ तक रामबन तक पूरा डुगर समाज आज रोड पे है। सभी पंचायतें सभी लोग गांव गांव तक ये आवाज जो है वो बुलंद हो चुकी है। और मैं आपके माध्यम से ये चताना चाहता हूं सभी लीडर्स को और जो कुछ बोलते हैं कि जी युवा राजपूत सभा जो है वो बीजेपी है, युवा राजपूत सभा बीजेपी नहीं है, युवा राजपूत सभा पहले डोगरा है उसके बाद है जो भी है। और हम ये चेताना चाहते हैं सबसे कि ये दोहरी राजनीति बंद कीजिए। एलजी साहब से भी आह्वान करते हैं कि ये इगोइस्टिक अपना ये जो यूपी बिहार वाले जैसे ये जो कानून
यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, ये यूपी बिहार में कानून चलाए जाते थे, और आज के टाइम पे वही कानून जो है वो आज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, और हमारे एलजी साहब के द्वारा चलाए जा रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मैं उनसे भी बोलना चाहूंगा कि डोगरों का एक अंडर एस्टिमेट डोगरों को मत कीजिए। आज डोगरा ये वही डोगरा है जो 120 ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की अगुवाई में तिब्बत तक पहुंच गए थे। ये वही डोगरे हैं जो 2008 में जब बम बोलने का टाइम आया था तो घुटने पे लाके रख दिया था तब की सरकार को। ये वही डोगरे हैं, तब के गवर्नर रूल जो एनएन वोरा थे उनको हमने घुटनों पे ला दी। ये वही डोगरा है, डोगरों को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से सभी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बार एसोसिएशन, हमारे ट्रांसपोर्टर्स, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ अभी अपने रणनीति में चेंज किया है अपने चेयरमैन के कहने पे सिर्फ, क्योंकि मेरे पास जो लेटर आई है जो इनके प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन जितने भी हैं रूट के प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने जो है वो लेटर साइन की है। मैं आपको ये लेटर भी दिखा देता हूं, रात को 12 बजे 12 से 12:30 के करीब उनका ये लेटर साइन हुआ है। ये आप ये लेटर देख सकते हैं, इन सपोर्ट ऑफ द्वारका चौधरी, सपोर्ट ऑफ कॉल बंद, ये सभी एसोसिएशन जो है वो साइन किए हैं। ये एसोसिएशन आप ये देख लीजिए, जो लेटर है ये साइन किया, और रात को 12:30 बजे हमें ये लेटर फॉरवर्ड किया, जिसमें अखनूर रोड, जम्मू अखनूर, जम्मू कठुआ, जम्मू पुंछ, मेटाडोर एसोसिएशन सभी ने इसमें साइन किए हैं। लेकिन सिर्फ चेयरमैन साहब के कहने पे, जो कि हम कह सकते हैं कि एलजी के, क्योंकि मीडिया वाले और कुछ हमारे लोग जो है वो बोलते हैं कि वो एलजी के एजेंट है, उनके सिर्फ कहने पे 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जम्मू बंद की सपोर्ट में, और वहां पर मीडिया कर्मी वहां से वापस आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती। मैं उनसे भी चेताना चाहता हूं, उनको भी बताना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्टर्स भाइयों से सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो है आज के टाइम में ट्रांसपोर्टर्स है, क्योंकि उनको दिन में 500 से 600 रुपए सिर्फ टोल देना पड़ता है, गाड़ियां अलग टूट रही है, 3 टाइम से ज्यादा उनका पेट्रोल खर्च, डीजल उनका खर्च हो रहा है, डेली हर महीने का 50 से 60 हजार रुपए खर्च ज्यादा हो रहा है। मैं आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं ट्रांसपोर्टर भाइयों, ये आपके बच्चों के पेट काटे जा रहे हो सिर्फ एक इंसान की गलती से। मैं सबसे ये आह्वान करूंगा सभी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारी बार एसोसिएशन का मैं शुक्रगुजार हूं, हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी सपोर्ट में, सबका शुक्रगुजार हूं कि वो जम्मू बंद की सपोर्ट में आए हैं। हमारी चैंबर ऑफ कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा हाईली अप्लाइज करता हूं हमारे अरुण गुप्ता जी को, और सभी डोगरा भाइयों से ये आह्वान करता हूं कि एक साथ खड़े रहिए, एक साथ खड़े रहिए, क्योंकि ये जो जबरन वसूली है, जैसे स्मार्ट मीटर्स में जबरन वसूली की जा रही है, आज टोल में जबरन वसूली की जा रही है, ये इनकी शुरुआत है सिर्फ। और एक टाइम मोर, कल एक रात को एक ऑर्डर आता है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का कि जो 20 किलोमीटर के रेडियस में होगा टोल के, उनसे 300 रुपए वसूल किया जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जेके 21 की जितनी भी गाड़ियां थी सबका टोल माफ था, लेकिन कल रात के बाद उनको भी 300 रुपए देना पड़ेगा। जेके 21 जितनी भी गाड़ियां थी उनको टोल नहीं देना पड़ता था, लेकिन कल का जो ऑर्डर आया है 20 किलोमीटर के रेडियस में उनको 300-300 रुपया देना पड़ेगा। मतलब पहले वो टोल नहीं देते थे, कल से वो टोल भी देंगे, और ये उनका टोल बंद करने का कोई निर्णय नहीं दिख रहा हमें आज तक। और मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि जल्द से जल्द जो है यहां से सरोवर टोल प्लाजा हटाया जाए, और उसके बाद जैसे हमारे कोर कमेटी मेंबर ने कहा, हम इसके बाद एक टाइम पे एक मुद्दा उठाएंगे और इसके बाद हम लोग स्मार्ट मीटर्स पे भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि जम्मू के डोगरों को हम कहीं झुकने देंगे, जहां पर जम्मू का डोगरा खड़ा होगा युवा राजपूत सभा आपको साथ में मिलेगी। विक्रम जी, कल अलजी साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ना मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ ना मैं यहाँ रहने वाला हूँ, पर हाँ जाने से पहले ऐसा कुछ कर जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आप इस बयान को किस तरह से लेंगे? मैं उनको बोलना चाहूंगा कि आप बड़ा कुछ कर चुके हो, प्रस्थान करो यहाँ से, और जम्मू के डोगरों पे और जम्मू कश्मीर पे रहम करो और यहाँ से प्रस्थान करो जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये जो कानून आप जम्मू कश्मीर में ला रहे हो यूपी बिहार में चलते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं चलते। और आज के टाइम पे हर जगह गली कूचे में उन्हीं की वजह से, ही इज द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोटेस्ट, जो यहाँ पर हर गली कूचे में आज प्रोटेस्ट चल रहा है, ही इज द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। आपसे एक सवाल है, आपने